My name is Sia Shantu Mandaria. Welcome you all to the chapter number second, and this is the part number second. Chapter number second का जो first part है उसमें हम introduction के तौर पे और chapter को start भी कर चुके हैं जैसे कि आप जानते हैं, और आज जो part number two हम देख रहे हैं हम उसको follow continue करेंगे. So the chapter name is secretarial practice in drafting notice, agenda and the minutes of company meeting. Obviously paper का नाम drafting है. New quotes के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, काफी बात हम यहाँ पे कर चुके हैं, एंड आज जो हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे वो वहीं से ही बात करनी स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट को खत्म किया था. उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट पार्ट था ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस उस तौर पे प्लीज मुझे बताइएगा. नाउ लेट्स बिगिन. सो आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपसे ये बात कर ली थी कि अलग अलग तरीके की मीटिंग्स चल रही हैं. यू कॉल इट एज समटाइम्स एजीएम, समटाइम्स यू कॉल इट एज ईजीएम, एंड समटाइम्स यू कॉल इट एज अ क्लास मीटिंग. क्लास मीटिंग एज अ वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट, जो हम बात भी कर रहे थे, क्लास मीटिंग इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर गेट टूगेदर ऑफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द मेंबर्स और ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. एज एन एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, हो सकता है जो क्रेडिटर्स हैं वो आ जाए यहाँ पे. इट कैन बी एनी बडी लाइक अ पर्टिकुलर सेक्शन. इक्विटी वालों की हो सकती है, आई सपोज यू नो वॉट इज इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो उनकी हो सकती है तो मीटिंग. तो अगर स्पेसिफिक सेक्शन के लोगों को ही सिर्फ बुलाया जा रहा है तो वो क्लास मीटिंग के एरिया के अंदर फॉल करता है. उसी को एक्सप्लेन करते हुए लिखा है, देयर आर अदर मीटिंग टू लाइक मिनट्स, मीटिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बॉन्ड होल्डर्स, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, कॉन्ट्रीब्यूटरीज, कोर्ट कन्वेड मीटिंग, ये तो सबसे खतरनाक है. बट दे डू नॉट टेक प्लेस इन कंडक्टिंग जनरल बिजनेस ऑफ द कंपनी इन रूटीन. भाई कोर्ट का देखिए आप जानते हैं, कोर्ट तो है ये आप प्रैक्टिकली भी जानते हैं. कोर्ट क्यों इंटरफेयर, कोर्ट खाली है क्या? मतलब आप खुद सोचिए, हमने से पहला केस, पहला चैप्टर जब पढ़ा था तो हमने उसमें बात भी करी थी. एटलीस्ट इंडियन जुडिशरी की अगर मैं बात बताऊं, मुझे बाकियों का नहीं पता, बट जैसे कि भाई अगर कोर्ट जो है वो हर समय काम करे 365 डेज इंटू 24 इंटू 27, ये बात मैंने आपसे पहले भी करी थी, तो भी केस का निपटारा 20 साल से पहले होने नहीं वाला जो कि पेंडिंग है आज. तो कोर्ट खाली तो बिल्कुल नहीं है. तो कोर्ट कभी भी आपकी कंपनी में इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक आप सही चला सकते हैं, चलाइए इसको. बट ये हम जानते हैं, नॉट टू फॉरगेट कि देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड एज अ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. ये मत सोचिए कि कह दिया कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, बिजी है अपने काम में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें. अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो कंपनी काम करी है दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज सच, देन कोर्ट विल डेफिनेटली इंटरफेयर. पर कोर्ट यूजली ऐसा नहीं करेगा. जब हम ऐसी बात कर रहे हैं तो हम ये भी शायद याद रखते हैं कि ईजीएम जो है, आपको याद होगा, एक तरीके से रिक्वेस्ट पे बुलाई जा सकती है. हो सकता है कंपनी ईजीएम बुला रही हो सकता है मेंबर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ईजीएम बुलाई जा रही है, हो सकता है मेंबर्स ने रिक्वेस्ट करा कंपनी ने मना कर दिया, तो जो रिक्वेस्टरेस्ट है वो अपने आप ईजीएम बुलाने के प्रोविजन करते हैं यहाँ पे. और फोर्थ जो होता है वो ट्राइब्यूनल, जिसको आप एनसीएलटी आज कह देते हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, वो भी ईजीएम बुलाने का पावर रखता है. और वहां पे अगर एक बंदा भी प्रेजेंट होता है, तो जो अभी तक पढ़ते हैं ना, यहाँ तो नहीं है बट जो आप पढ़ते हैं कोरम, कोरम क्या है भाई, इतने मिनिमम लोग होने ही चाहिए तभी कोई बिजनेस ट्रांजेक्ट हो सकता है, चाहे एजीएम की बात है चाहे बोर्ड मीटिंग की बात है. तो वो कोरम वगैरह उस केस में कोई काम नहीं करती. एक बंदा भी अगर कोई डिसीजन लेता है जो मीटिंग ट्राइब्यूनल ने बनाई है, वो डिसीजन जो होगा वो वैलिड माना जाएगा. फिर आप ये नहीं कह सकते कि मीटिंग में तो दो लोग होने जरूरी है. तो दिस इज द वे हाउ इट वर्क्स. उसी तौर पे नीचे लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टेक द डिसीजन बाय पासिंग रेजोल्यूशन. ये बात हम कर चुके हैं कि मेजॉरिटी का मतलब 51% या उससे ज्यादा, और यूनानिमस मतलब मैंने ऊपर बताया भी था 10 on 10 और वॉट एवर यू कैन कॉल इट एज 100 on 100, एक ही बात है, जितने लोग हैं सारे के सारे अग्री करें, दैट इज यूनानिमस. जो कि आई डोंट थिंक सो. आपके सारे फ्रेंड्स आपकी, आप मान लीजिए कुछ कहते हैं कि सारे फ्रेंड्स आपकी बात मानते हैं, या आप क्या जो एक कोई फ्रेंड बोलता है क्या उसकी बात मानते हैं, तो एक बंदे को कन्विंस करना मे बी इजी, बट टू कन्विंस लॉट ऑफ पीपल ऑब्वियसली इज अ डिफिकल्ट टास्क. देन वी कम टू द सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड, जो कि आईसीएसआई की प्राइड है, प्राइड है, एक्सक्लूसिव एरिया है. आई एम श्योर आने वाले दिनों के अंदर बहुत बार आज ये बात चलती है जीएसटी ऑडिट को लेके, जीएसटी ऑडिट को लेके. अभी टैक्स का जब पेपर हुआ तो अलग अलग बच्चों ने अपना अलग अलग फीडबैक दिया. कई बच्चों का इवन फोन पे जब बात हुई उनका ये भी कहना था कि सर टैक्स का पेपर मेरे पास बहुत अच्छा हुआ, मतलब समझ रहे बहुत अच्छा हुआ. ऑन द कंट्रेरी ऐसे भी लोग थे कि नहीं सर प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा आया, बहुत लेंथी था, पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, उसमें लेट नहीं दिया था, फलाना नहीं दिया था. तो मैंने बोला ठीक है, बिकॉज मुझे नहीं पता टैक्स के बारे में. बट उनमें एक स्टूडेंट और भी था, उनका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे किसी का, बट शी सेड कि सर जो इस बार का पेपर आया है ना वो जीएसटी पे फोकस था, प्रैक्टिकल था, इसमें कोई दो राय नहीं है. पर इंस्टीट्यूट इसलिए ऐसा कर रहा है, दिस इज व्हाट शी थिंक्स,
तो इंसिटू इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो हमें लड़ेगा, मतलब आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के सामने एक एक प्रपोजल रखेगा कि सीएस को जीएसटी ऑडिट भी करने दिया जाए। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज करेक्ट और नॉट, बट दिस इज व्हाट शी थिंक्स। तो एक तरीके से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड हमारा एक्सक्लूसिव एरिया था, है और रहेगा। आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे अलग अलग एरियाज भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर जो हमारे मेंबर्स हैं वो ऑब्वियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से रख पाएंगे। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड उनमें से एक है जिसके बारे में मैंने जब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, व्हिच वाज इन पार्ट नंबर वन, आई ट्राइड एंड एक्सप्लेन कि व्हाट डज इट मींस एंड किस तरीके से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आज जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑन 10th ऑफ द अप्रैल अकॉर्डेड द अप्रूवल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स नेमली SS1 SS2। आज और भी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं, डिविडेंड को लेके है और बहुत सारी चीजों को लेके है, बट वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है तो हम उसमें इतना नहीं जाएंगे। वन एंड टू पे ही फोकस रखेंगे और वन एंड टू को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो SS1 जो है इट टॉक्स अबाउट द मिनट्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड मीटिंग कह दीजिए, while SS2 obviously talks about the AGM that is called as the annual general meeting. अब स्कोप के बारे में अगर बात करी जाए, it says the standard is in conformity with the provision of the act. However, if due to the subsequent changes in the act, a particular standard or any part thereof becomes inconsistent with the act, the provision of the act shall prevail. अब जब ये कह रहे हैं, ये जो मैंने बात पढ़ी है, कह रहे हैं कि भाई स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड मतलब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है वो एक तरीके से हैंड इन हैंड चलेगा, साइमल्टेनियसली चलेगा विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट होगा? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स है, कंपनी है, ये पैरामीटर है, तो एक्ट मतलब कौन सा एक्ट? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट थोड़े, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कह रहे हैं कि भाई सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है वो कंपनीज एक्ट के बेसिस पे ही बनाया जाएगा, कंपनीज एक्ट उसका फाउंडेशन होगा। जब तक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अंदर काम कर रहा है, उसके साथ काम कर रहा है, म्यूचुअली को एक्सटेंसिव काम कर रहा है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ओवरलैप करने की कोशिश करेंगे किसको, कंपनीज एक्ट 2013 को, तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि कंपनीज एक्ट से बड़ा और कुछ हो ही नहीं सकता ना है। सुना आपने अल्ट्रा वायरस? अल्ट्रा वायरस वही चीज है कि आप जो लॉ से ही अलाउड नहीं है, विच नोबडी कैन डू। तो ऐसे ही जब कंपनीज एक्ट ने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को बनाया है तो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स कंपनी एक्ट के बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं? तो यही बात लिखी है यहाँ पे। अगर आप देखें, लिखा है पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑन पार्ट देयर ऑफ बिकम इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल प्रिवेल। तो कभी भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड ओवरलैप करने की कोशिश करेगा कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन को, तो फिर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड जो है उनको पीछे हटना पड़ेगा बिकॉज दे कैन नॉट रियली ओवरलैप द कंपनीज एक्ट 2013। Section 179 describes the scope and the powers of the board of directors. As it states, the board of directors of the company shall be entitled to exercise all powers and to do all such things in act as the company is authorized to exercise and do. तो एक तरीके से generally board of directors के power या उनकी perspective को लेके point लिखा गया है कि जब भी effective functioning की बात आती है तो लिखा जा रहा है board of directors shall be entitled to exercise all powers as the company is exercised to do. क्योंकि हमने ऊपर भी पढ़ाया था वेरी स्टार्ट की कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, खुद तो कंपनी कुछ कर ही नहीं सकती ना, तो कंपनी को चलाने के लिए जो हम कहते हैं कि भाई ये सारी पावर्स कंपनी की हैं, तो कंपनी खुद तो कुछ कर नहीं सकती और ये सारी पावर्स कंपनी की हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, ये सारी पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हैं। भाई आप ये जानते हैं, शायद आपको ये पता है कि इंडिविजुअल अगर है तो हम उसको डायरेक्टर कह रहे हैं एंड कलेक्टिवली वी कॉल इट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इंग्लिश में होता है ना, एक समय था जब आप सुनते थे सिंगुलर है प्लूरल है, आपने सिंगुलर है तो नॉर्मल लिखा, प्लूरल है तो एस लगा दिया एंड में, तो एक से ज्यादा हो गए। बट यहाँ पे दैट फंडा डज नॉट वर्क, एक है तो आपने उसको डायरेक्टर कह दिया, एक से ज्यादा है कलेक्टिवली है यू कॉल इट एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो एक आ गया कि जो काम कंपनी कर सकती है वो सारे काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे कंपनी इज नथिंग, बिकॉज इट इज जस्ट एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड कंपनी जस्ट एन आर्टिफिशियल पर्सन, कोई अपने आप डिसीजन ले नहीं सकती, तो कंपनी को जो भी डिसीजन लेना है वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बेसिस पे लेने की एक तरीके से फ्रीडम जो है वो कंपनीज एक्ट अलाउ करता है। एप्लीकेबिलिटी के तौर पे वी सेड एज SS1 इन टर्म्स ऑफ द सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 118 एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व SS1। अब जब हम ये कह रहे हैं कि भाई एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व, बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस लिखे हुए हैं, एक्सेप्शंस के तौर पे लिखा हुआ है One person company जो है वो आप जानते हैं, लिखा having one director on its board। अच्छा one person company हमें पता है कैसे चलता है, like in the end of the day हम कहते हैं कि भाई private company के for example XYZ cycle, क्योंकि object लिखना है तो चलिए private limited, तो भाई पता चल गया है private limited company है, XYZ cycle limited लिखा है तो पता चल गया limited company है, but how do we know if it is a one person company? I'm sure आपको बताया गया होगा कि one person company जो आपने नाम में वो OPC लिखेगी,
लाइक यू कैन लाइक दिस वे एक्स वाई जेड साइकिल ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि अपने नाम में ओपीसी लिखेंगे क्योंकि प्राइवेट का भी एक तरीके से रिड्यूस्ड फॉर्म है वन पर्सन कंपनी. इन प्राइवेट यू रिक्वायर इट इज टू डायरेक्टर्स एंड टू मेंबर्स, बट इन ओपीसी एक से भी काम चल सकता है. नाम ही है वन पर्सन कंपनी. मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा था वर्क एज अ सीनियर मैनेजर, ये आपको बताना चाहूंगा कि जब ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज वी डू इंडियन वर्क, लॉट ऑफ फेमा वर्क एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ आरओसी वर्क इन टर्म्स ऑफ इंडिया, बट वी डू लॉट ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कंपनीज. तो ये याद दिलाना चाहूंगा कि 2013 और उसके बाद से जब से ये एक्ट आया है तब से ओपीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिवेल कर रहा है और कुछ एक्सटेंट तक शायद सक्सेसफुल भी है एट टाइम्स, बिकॉज अपनी लिमिटेशन है ओपीसी के अंदर कि आप बहुत एक्सटेंट तक नहीं जा सकते. सुना होगा स्मॉल कंपनी भी होती है चीज. तो वहाँ पे मतलब सिंगापुर की अगर बात करूँ, इन ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, जैसे इन द एंड यहाँ पे इंडिया में यू यूज पीवीटी और समटाइम्स यू कॉल इट एज अ प्राइवेट लिमिटेड एलटीडी. वहाँ पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पीटीवाई मतलब प्रोप्राइटरी. एक तरीके से उन्होंने कह दिया कि 1% मतलब 1% जो हम यहाँ पे कह रहे हैं बहुत बाद में आया है. वहाँ पे पिछले 20 साल से 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट है कि एक बंदा अपनी भी कंपनी चला सकता है. पर ये याद दिलाना चाहूंगा आपको कि वहां पे हर कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी होना मैंडेटरी है. देयर इज नो रिक्वायरमेंट व्हाटसोएवर ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी. लाइक इन इंडिया यू से ना कि भाई पेडर शेयर कैपिटल 5 करोड़ एंड अबव है तो आपको कंपनी सेक्रेटरी रखना है, उसके नीचे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, रखो या ना रखो. इट्स नॉट लाइक दैट. एथिक्स में हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज ये एक ही ग्रुप्स के सब्जेक्ट है, इसलिए बार बार आपस में कोरिलेट कर रहा हूँ. हम समझेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस. वहां पे जैसे यू हैव सेबी हियर इन इंडिया, वी हैव एएसएक्स ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे साउथ अफ्रीका वगैरह का भी हम लोग थोड़ा काम करते हैं. बट मैं इसके बारे में आपको बता रहा था. तो वहाँ जो हम यहाँ पे पीवीडी यूज करते हैं, दे यूज पीटीवाई. सिंगापुर में ना पीवीडी चलता है ना पीटीवाई चलता है, वहाँ पीटीई चलता है. तो हर तरीके से ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि इंडिया ये फर्स्ट कंट्री है जिसने इंट्रोड्यूस किया है, पहले ही बहुत सारी कंट्रीज में ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है. बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रमोट द ट्रेड, इज टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट, इज टू एक्चुअली एनकरेज द ग्लोबलाइजेशन. और उसको करने के लिए अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट ये सारे काम कर रही हैं. बट क्योंकि सेक्रेटरियल ऑडिट, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मे बी अ लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ रिसोर्सेज. अब एक बंदे की कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, वो कहाँ से इतना कर पाएगा? और वो इतने एक्सटेंड तक तो काम भी नहीं कर सकता ना. कोई वन पर्सन कंपनी के स्टॉक मार्केट में शेयर थोड़े आ रहे हैं, उसके जो शेयर की लिमिटेशन है वो भी है वहां पे. उसमें आपने सुना होगा नॉमिनेशन क्लॉज होता है, यूजली यू हैव एमओए एंड दी एओए, पर ओपीसी के तौर पे जो एक तरीके से एक्स्ट्रा क्लॉज होता है वो होता है नॉमिनेशन क्लॉज, है ना. और यहाँ पे 180 डेज की रिक्वायरमेंट की भी बात होती है, अगर आपको याद हो कि आप एक बंदा एक ही ओपीसी के तौर पे मेंबर बन सकता है, या आप कह दीजिए कि उसको होल्ड करने का राइट रखता है. अगर दो में उसको करना है तो उसको एक ओपीसी में सरेंडर अपना करना होगा, और इसमें डेज की भी लिमिटेशन होती है. बट मैं बार बार जब एक्चुअली क्या होता है, जब कोई कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा रहे हैं ना लॉ, तो वो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं लॉ का एरिया बीच में लाना ही जाएगा. भले बात यहाँ पे सिंपल सी लिखी है, मैं पढ़ के बता सकता था कि भाई ओपीसी पे, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक तरीके से सेक्शन 8 कंपनी सिंपल वर्ड्स में नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है. चलो अब दूसरा आगे पढ़ते हैं. बट जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी पढ़ा रहे हैं वो लॉ के बारे में बात करेगा, रहा ही नहीं जाता लॉ के बारे में. बिकॉज फॉर अस, फॉर यू, फॉर मी, फॉर अस, कंपनी लॉ इज एवरीथिंग. कंपनी लॉ इज आर लाइफ, है ना. कंपनी लॉ ही सब कुछ है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ के बगैर कुछ भी नहीं है. केएमपी नहीं है, कुछ नहीं है वो. तो कंपनी सेक्रेटरी के लिए कंपनीज एक्ट जो है सबसे बड़ी चीज है, और उसी से सारी पावर या सारी चीजें चलती हैं. तो जब मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई बात करनी है तो चलो ये बता दिया, बट इसीलिए कि आपको एक ओवरऑल कवरेज मिल सके. एट टाइम्स देखिए हम सेक्शन की तो बात कर ही नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग है, कंपनीज एक्ट नहीं है. बट वेर एवर रिक्वायर्ड एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन सच अ वे कि भाई अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंड रखें, और कॉन्टेंट अगर आपके पास होगा ना तो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं. बहुत बार हमें क्या दिक्कत आती है कि ये हमें आता तो है बट वो 6 मार्क्स का पूछ रहा है, हम शायद 3 मार्क्स तक का ही लिख पा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट टू राइट नेक्स्ट. जो हमारे कीवर्ड्स है वो हमने यूज कर दिए. तो जब मैं ये सारी बात कर रहा हूँ और आप ये अप्रिशिएट करेंगे, कोई मैं देख नहीं रहा हूँ, सिर्फ देख इन द सेंस आपकी तरफ देख रहा हूँ, ये जो मॉड्यूल आपके सामने नोट्स खोला हुआ है, मॉड्यूल नोट्स जो भी कह दीजिए इसको अपनी लैंग्वेज में, उसकी तरफ देख रहा हूँ पढ़ाने के लिए क्या लिखा है. बट अदर देन दैट देयर इज नो स्क्रिप्ट एट ऑल. जो मैं पढ़ रहा हूँ और फिर मैं बोल रहा हूँ, तो इट्स जस्ट द फैक्ट कि जो जनरल बातें हैं उनको हम अलग अलग तरीके से कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं. SS1 की एप्लीकेबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स, जहां नहीं है दैट इज ओपीसी कंपनी, एंड जहां नहीं है सेकंड पॉइंट में कह दिया गया हर वो कंपनी जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया. मैं इसमें ऐड कर देता हूँ सेक्शन 8 कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो कि पहले कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 25 कंपनी हुआ करती थी.
उसके बाद लिख दिया। सो पॉइंट नंबर सेकंड में ये और फर्दर ऐड करना चाहूंगा कि सेक्शन एट कंपनी तो अपनी जगह है ही है, प्लस कोई भी और ऐसी कंपनी या टाइप ऑफ एंटिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करी हो, वो भी उस पर भी SS1 के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एप्लीकेबिलिटी टू द मीटिंग ऑफ द कमिटीज, तो लिखा है SS1 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ द बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। एट प्रेजेंट द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज। ऊपर हम बात कर रहे थे याद है, ऑडिट कमिटी, स्टेक होल्डर्स कमिटी, अब यहाँ पे और कुछ कमिटीज हैं, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी, CSR मैंने आपको बताया था, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, नाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जानते होंगे आई एम श्योर, बट बताना चाहता हूँ, जब मैं बार बार ये कहता हूँ जानते होंगे बिकॉज ये कंपनीज एक्ट का पार्ट है, आपने इसके बारे में बहुत एक्सटेंसिव पढ़ा होगा। टीवी में बहुत बार एड देखते हैं कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, वॉट एवर द अमाउंट है, 100 रुपए का है, 500 का है, 10 रुपए का है, तो इसका कुछ हिस्सा बच्चों की एजुकेशन में जाएगा, कुछ हिस्सा पेड़ लगाने में जाएगा, कुछ हिस्सा हॉस्पिटलाइजेशन में जाएगा, हेल्थ में जाएगा, सैनिटेशन में जाएगा, ऑल दिस इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो भी क्यों ना, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेट करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और उससे ज्यादा, और जब वो लाखों करोड़ रुपए देके शाहरुख खान से, सलमान खान से ऐड करा सकते हैं, तो फिर वो सोसाइटी के लिए क्यों नहीं कर सकते, कुछ कर सकते, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे सोसाइटी के ही लोग हैं जिन्होंने कंपनी को एक छोटी कंपनी से एक मल्टीनेशनल कंपनी बनाया है। कोई भी कंपनी ऐसा मल्टीनेशनल लेवल से स्टार्ट नहीं होती। कोका कोला का नाम आपको पता होगा, आप कोका कोला की जाके एक बार सर्च करिए गूगल पे, अगर आपको समय मिले कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो रियलाइज कोका कोला वॉज नथिंग। आज तक ट्रेड सीक्रेट है कोका कोला, आपको पता होगा, IPR के तौर पर हम बात करते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी बन गई धीरे धीरे बिकॉज ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी। तो जब इतना लोग आपके लिए करते हैं, आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ कॉर्पोरेट कि आप भी उनके लिए कुछ अच्छा कर सकें। जो मैंने नाम गिनाया कि क्या क्या हम कर सकते हैं उनमें से जो कुछ और, या और अगर कुछ ऐसा लगता है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किया जा सकता है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा, इन सिंपल वर्ड्स, आपको सोसाइटी की सेवा में, बेटरमेंट में खर्च करना मैंडेटरी है, एटलीस्ट फॉर पब्लिक एंड लिस्टेड कंपनीज। एक टर्नओवर थ्रेशोल्ड की बात यहाँ पे मेंशन करी जाती है। ऑडिट कमेटी, भाई ऑडिट में कौन होगा, बिकॉज ऑडिट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंडिपेंडेंट लोगों का होना यहाँ पे बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑडिट सही से नहीं हो रहा है तो कंपनी के अंदर स्कैम्स हो सकते हैं, जो आप हर दिन सुनते हैं कि फलाना कंपनी में इतना स्कैम हो गया वगैरह वगैरह। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जहाँ पे SS1 बात करता है कि आप अलग अलग तरीके की कमिटीज जो है वो बना सकते हैं। मैनर ऑफ कंडक्टिंग द मीटिंग, लिखा है वेयर एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड इज कॉल्ड एंड हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्टेड बाय द डायरेक्टर, द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड SS1 रिलेटेड टू नोटिस, एजेंडा, लेंथ ऑफ द नोटिस एंड द मैनर ऑफ सर्विंग। मैनर ऑफ सर्विंग मतलब पोस्ट से जाएगा, ईमेल से जाएगा, एंड ऑल अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस हैव टू बी कंप्लाइड विद। आप समझते सुनते होंगे MCA का एक ग्रीन इनिशिएटिव है, अब तो बहुत समय हो गया। ग्रीन इनिशिएटिव मतलब क्या है कि जो मैंने कुछ देर पहले भी बताया था आपको, क्योंकि जब आप कागज का यूज करते हैं, पेपर का यूज करते हैं, तो डेफिनेटली ट्री स्पेस का इफेक्ट लेटर और सूनर पड़ता ही है, और पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम बात सुनते हैं, शायद ये अब जरूरी हो चुका है कि पेपर्स का यूज कम से कम हो और ट्रीज का प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा हो। एंड ईमेल इज अ थिंग जहाँ पे ना पेपर की जरूरत है, ना में पेन की जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये कहा जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, जो लोग बिकॉज एवरीबडी मे नॉट हैव ईमेल, एवरीबडी मे नॉट नो हाउ टू एक्सेस द ईमेल, तो उनके लिए ठीक है, उनको आप पेपर्स पे नोटिस भेजिए, बट जितने भी लोग हैं जो ईमेल का यूज करते हैं, दे आर यूजर फ्रेंडली टू दैट, उनको डेफिनेटली ऑप्ट करना चाहिए। इवन क्रेडिट कार्ड, जैसे अगर आपके घर में यूज करता हो कोई या आप यूज करते हो, सो यू रियलाइज द फैक्ट कि जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होती है उसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं। इधर यू टेक द हार्ड कॉपी, और हार्ड कॉपी में कम से कम क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट तो एक पेज की होगी, बट 8-10 पेज उसके साथ एक्स्ट्रा लग के आएंगे क्योंकि उसके ऑफर्स होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होंगी। यही चीज अगर आप ऑनलाइन लेते हैं, सोचिए 10 लोग ऐसे करते हैं, 10 पेज से 10 लोग ऑनलाइन लेते हैं, तो 100 पेजेस बचे। इसी तरीके से कैलकुलेट करते जाइए और सोचिए कि कितना बचेगा। बट मेरे हिसाब से क्योंकि ये जो चीज है ये अपनी जगह अच्छी है, और गवर्नमेंट को इसको एज अ रूल बना देना चाहिए टू द एक्सटेंट पॉसिबल, जिससे कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारी चीजें इनको कंट्रोल में रखा जा सके। तो यहाँ पे ये बात करी गई है कि जब बोर्ड मीटिंग के बारे में बात आती है, तो SS1 के जो भी प्रोविजन है इन टर्म्स ऑफ नोटिस, याद होगा बात करी थी कि 7 डेज का नोटिस यहाँ पे देना है। एजेंडा मतलब उस मीटिंग के अंदर जो 7 दिनों के बाद होने वाली है उसके अंदर बातचीत क्या होगी, वो जो लेंथ, अब लेंथ ऑफ नोटिस को लेके आसत कुछ एक बात नहीं करेगी, लेंथ ऑफ नोटिस एक रीजनेबल होनी चाहिए।
इन द सेंस एट द एंड ऑफ द डे जो जो कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं उसको हम लेंथ ऑफ नोटिस के अंदर अलग अलग तौर पे लिख सकते हैं विद रीजनेबल क्लैरिटी की क्या क्या बात होने वाली है। और आप ईमेल से भेजने वाले हैं, आप पोस्ट से भेजने वाले हैं, सारी चीजें भी आप तय कर सकते हैं जो SS1 की प्रोविजन है वो इन सभी के बारे में अलग अलग तरीके से बात करते हैं। जब हम नीचे जाएंगे अभी आप देख ही रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग भी है डेट प्लेस इन सब चीजों के बारे में बात करी गई है। तो जैसे हम नीचे जाएंगे आई सपोज उसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे। तो इट सेज एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट डेट टाइम एंड प्लेस एंड मोड एंड द सीरियल नंबर इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी मीटिंग टू हैव अ सीरियल नंबर फॉर द ईज ऑफ रेफरेंस। अब सीरियल नंबर किस तरीके से है एज एन एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबरिंग ऑन द फाइनेंशियल ईयर बेसिस आर एज फॉलोस। फाइनेंशियल ईयर क्या है 15-16 का है, 15-16 की पहली मीटिंग है तो हमने लिख दिया 1/2015-16। सेकंड मीटिंग है तो इस तरीके से, थर्ड मीटिंग है तो इस तरीके से, इससे सो ऑन सो फोर्थ। ये ऐसा मत समझिएगा कि दिस इज ओनली रिकमेंडेटरी, नहीं दिस इज मैंडेटरी, हमें लिखना ही है। जिन कंपनीज के ऊपर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हैं दे हैव टू राइट लाइक दिस। जब आप मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएंगे ना, क्योंकि ये बात तो आपके और मेरे बीच में होनी ही चाहिए, क्योंकि मिनट्स ऑफ मीटिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाने वाला, मिनट्स ऑफ मीटिंग कोई और अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं बनाने वाला, आपको ही बनाने। अब आप ऐसी कंपनी में अगर काम करते हैं जहां पे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं और आप बस जनरली हम पढ़ेंगे अभी नीचे मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन इस तारीख को इस जगह पे इस तरीके से स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं, आपको ये देना पड़ेगा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मीटिंग है सीरियल नंबर दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑब्लिक 2015-16 या सेकंड मीटिंग थर्ड मीटिंग। और इसी बेसिस पे फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो जाएगा तो मान लीजिए इस फाइनेंशियल ईयर में 10 मीटिंग हुई तो हमें एक एक गिनने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें पता चल गया 10/2015-16 लिखा है, इसका मतलब इस साल में कितनी मीटिंग हुई है 10 मीटिंग हुई है। बोर्ड मीटिंग की बात कर रहे हैं SS1 की तो 10 मीटिंग हुई है तो हमें एक एक मीटिंग देखने की जरूरत नहीं है, पता चल गया कि 10th नंबर है, इसके बाद कोई नहीं है क्योंकि इसके बाद जो है उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 15-16 से चेंज करके 16-17 लिख दिया। तो इसका मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करी जाए तो इतनी मीटिंग करी गई है। और फिर अब ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया तो यहाँ भी ऐसे करेंगे 1/2016-17 तो इससे 2016-17 की पहली मीटिंग मानी जाएगी। सो दिस इज अ वे, दिस इज मैंडेटरी जो आपको करना ही करना होगा। फिर दे इट सेज द डेट डे ऑफ द मीटिंग भाई कब हो सकती है, बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करें AGM और EGM नहीं, लेकिन नाउ द बोर्ड मीटिंग कैन बी कन्वेड इवन ऑन संडे और नेशनल हॉलीडे टू इवन अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडजर्न फॉर द वांट ऑफ कोरम कैन बी हेल्ड ऑन द नेशनल हॉलीडे। तो दो तीन बातें हैं इसके अंदर, सबसे पहला तो ये कि बोर्ड मीटिंग जो है वो ऐसा कोई दिन नहीं देखती बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे वी हैव टू अंडरस्टैंड द रैशनल, इसके पीछे अप्रोच क्या है, क्योंकि AGM में आप बुला रहे हैं, आप पब्लिक कंपनी है, क्योंकि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जनरली प्राइवेट पे तो नहीं है, लिस्टेड पे एप्लीकेबल है जनरली अगर हम बात करें। इन लिस्टेड एज यू ऑल नो कि भाई मिनिमम हमें 7 पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट हमें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो नहीं सकती, तो पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है उसमें मिनिमम कितने लोग चाहिए मेंबर्स पे 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट है नहीं। जबकि जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको बताया गया होगा कि एक इंडिविजुअल 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, उसमें से 10 ऐसी हो सकती है मैक्सिमम जो पब्लिक कंपनी हो और बाकी जो बचती है वैसे 10 ही बचती है जो प्राइवेट में वो हो सकता है। जरूर ये कहा जाता है कि पब्लिक कंपनी के अंदर यू हैव अनलिमिटेड मेंबर्स, यू हैव अनलिमिटेड डायरेक्टर्स, बट आप अनलिमिटेड डायरेक्टर्स रखेंगे तो उनको सैलरी भी तो देंगे बिकॉज डायरेक्टर इज नॉट लाइक जनरल लेबर की बस आ गया बैठ गया, दे ड्रॉ सैलरी इन लाख्स एंड लाख्स ऑफ रुपीज, तो कहाँ से लाएगी कंपनी इतना पैसा, पैसा है तो ही रख पाएगी। नहीं तो आप जानते हैं फिर आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में मैनेजरियल रेमुनरेशन के अलग अलग सेक्शन है 196 से स्टार्ट होते जाते हैं और उस फर्दर बात करते हैं कि भाई इनएडुकेट रेमुनरेशन है 11% की बात करी जाती है, तो यहाँ पे वही चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। ये जो मैंने बात बोली है मैंने इसलिए कही क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर्स ऐसे अनलिमिटेड में 15-20 मैक्सिमम 15-15 डायरेक्टर कहीं होते होंगे, शायद 20 हो जाते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है इतना मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी में 50 डायरेक्टर हैं, ऐसा नहीं होता बिकॉज कहाँ से दोगे रेमुनरेशन, कहाँ से दोगे कंपनसेशन। तो आपने ये कह दिया कि भाई ठीक है एज कम्पेयर टू AGM हमेशा डायरेक्टर्स की जो नंबर्स है वो डेफिनेटली कम रहेंगे, तो जब नंबर्स कम रहेंगे तो उनको इकट्ठा करना इजी रहेगा, एक बार नोटिस आप देंगे तो उनका आना इजी रहेगा। इसलिए आप देखिए कि जो बोर्ड मीटिंग है वहां पे 7 days की नोटिस की बात करी गई क्योंकि उम्मीद करी जाती है, पहले तो ये 7 दिन की बात भी नहीं थी 56 के अंदर, जो 1956 वाला एक्ट था ना वहां पे ये 7 days की बात भी नहीं थी, ये अभी इंट्रोड्यूस करी है जब से 2013 के एक्ट्स और रूल्स आए, तो पहले ये 7 days की बात नहीं थी, बट माना जा रहा है कि ठीक है डायरेक्टर्स हमेशा कम होंगे मेंबर्स से और इतने होंगे कि वो 7 दिन के नोटिस पे इकट्ठा हो सकते हैं। और फिर जैसे कि आप जानते हैं हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो डायरेक्टर्स हैं अगर फिजिकली नहीं आ सकते कोई बात नहीं,
वीडियो कॉल के थ्रू या आप कह सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो जिस भी लोकेशन पे हो। ये भी हम बात यहाँ पे करेंगे जैसे हम नीचे जाएंगे। सो आई थिंक ये बात यहाँ पे करी गई है कि सैटरडे संडे हो या कोई पब्लिक हॉलीडे हो, उस दिन बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराई जा सकती है। फिर अगर कोई मीटिंग एडजर्न हो जाती है तो नेक्स्ट डे पे भी वो मीटिंग हो सकती है।